गोलगप्पा बनाने के लिए हम एक कप आटा, एक कप सूजी और एक कप पानी लेंगे। पानी गर्म होना चाहिए और उसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे। आटा गूंथने के बाद हमको ध्यान रखना है जो आटा है वो हमारा कड़ा रहे, और उसको गीले कपड़े में बांध के 20 मिनट के लिए आप रख दीजिए। जब आटा आपका 20 मिनट बाद आप देखेंगे, उसको खोलेंगे तो उसके मैंने दो हिस्से कर लिए हैं, और इसी के साथ एक हिस्से को मैंने रख लिया है और दूसरे हिस्से को मैंने वापस से गीले कपड़े में रख दिया है, जिससे कि वो गीला रहे, उसमें नमी बने रहे। और जो पहला हिस्सा है उसको मैं दो हिस्सों में और बांट लूँगी, और जो पहला हिस्सा है अब वापस से उसको मैंने पतला कर लिया है और उसको मैंने चाकू से काट लिया है, जिससे कि मैं इसकी छोटी छोटी लोई बना सकूँ। इसको काटने से हमें लोई बनाने में आसानी रहेगी। इसको काटने के बाद मैंने एक हिस्सा उठाया और उसकी मैंने गोल लोई बना ली है। आप भी इसी तरह इतनी सारी लोई बना सकते हैं। उस पर हम थोड़ा सा तेल छिड़क देंगे, जिससे कि जो आपका आटा है, ये लोई है, एक दूसरे से ना चिपकें। इसी तरह मेरा जो दूसरा हिस्सा था उसका मैंने ये एक और लंबा पैटर्न सा बना लिया है, और इसको भी मैंने एक एक हिस्से में बीच में से काट दिया है। जितने आपको गोलगप्पे बनाने हैं उतनी आप ये छोटी छोटी लोइयाँ बना सकते हैं, जिससे कि आपको गोलगप्पे बेलते टाइम आसानी रहे। गोलगप्पे बनाने के वैसे दो तरीके होते हैं। ये तो मेरा पहला तरीका है, ये जो मैं अभी बता रही हूँ, और इसी वीडियो में आगे मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगी। तो इसमें मैंने अपने जो गोलगप्पे हैं उनकी छोटी छोटी सी लोई बना ली हैं, और उन पर भी मैंने इसी प्रकार तेल डाल दिया है। ये मेरा तीसरा पैटर्न है, इसको मैंने सांप जैसा कुछ बनाया था। मुझे मतलब अच्छा लगता है ऐसे कुछ बनाने में। आप भी जो चाहे बना सकते हैं, नहीं तो सीधा भी आप रख सकते हैं, क्योंकि पैटर्न से तो कोई मतलब पड़ने नहीं वाला, पर मैंने ऐसे ही बना लिया। तो मेरी ये जो लोई तैयार है, और उसमें से एक लोई मैंने ली है, और मैं इसको गोल करके बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी पहली बार बना रही हूँ। तो मुझे नहीं पता मेरे गोलगप्पे कैसे बनेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है ये अच्छे बनेंगे, और इसीलिए मैंने आपसे ये वीडियो शेयर करी है। कि आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि मेरे से तो बुरे बनेंगे। मैंने भी पहली बार ही बनाए हैं और ये सही में अच्छे बने थे, कुरकुरे भी थे, और जो मैंने इसमें गलती की थी वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मेरी जो गलती थी वो यही थी कि अगर आप अपने जो आटा है उसको मोटा रखेंगे, एक लोई मैंने मोटी बना के देखी थी और एक पतली, तो मैंने उसमें पाया कि जो मोटी लोई है अगर आप उसको बना के डालते हैं तो वो भी फूलेगी, लेकिन वो नरम हो सकती है, पर अगर आप अपनी लोई को पतला बेलेंगे तब वो करारी ही रहेगी। तो इस तरह मैं अपने ये जो गोलगप्पे हैं इनको बेल रही हूँ। मैंने वो जो छोटी छोटी लोई बनाई थी उनको मैं बेल रही हूँ। मेरे से गोल नहीं बन पा रही थी तो मैंने ढक्कन का इस्तेमाल किया, और ये जो ढक्कन का इस्तेमाल है यही हमारा दूसरा तरीका है गोलगप्पे बनाने का। एक तो आप अच्छा बेल सकते हैं तो आप गोल गोल करके बेल लीजिए, नहीं तो आप आड़ा टेढ़ा बेल के उसको गोल हिस्से में काट सकते हैं। तो इसी तरह मैंने भी अपनी जो मेरी लोई थी वो उसको आड़ा टेढ़ा बेला, और उसको फिर मैंने ढक्कन से काट लिया। आप किसी भी टाइप का ढक्कन ले सकते हैं। मैंने ये वाइट कलर का ढक्कन लिया है, थोड़ा बड़ा है, आप इससे छोटा ढक्कन भी ले सकते हैं, पर इतना तो साइज सही रहेगा। तो इसी तरह मैंने ये बेल लिए हैं, कुछ मैं ज़्यादा बेल के रख ले रही हूँ ताकि मैं एक साथ सबको सेक सकूँ। आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं ढक्कनों से। ढक्कनों से एक फ़ायदा है कि ये जल्दी हो जाते हैं, आप ऐसे आड़ा टेढ़ा बेल लीजिए, फिर ढक्कन से आप जब काटेंगे तब गोली बनेगा, तो आपका जल्दी से गोलाकार आ जाता है और देखने में भी गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। ये मैंने अपना तेल गरम कर लिया है, तेल में से जब फ्लेम्स आने लगें तब आप अपने गोलगप्पे को उसमें डालें। देखिए ये कैसे फूल रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये ऐसे फूल रहे हैं, आपके भी बिल्कुल ऐसे ही फूलेंगे, ये देखिए। अरे ये एक गोलगप्पे को देखो क्या हो गया है, ये नहीं फूला था।
और बाकी सारे मेरे गोलगप्पे फूले हैं, एक दो नहीं फूले थे तो उनकी मैं दही पापड़ी बना लूँगी, पर जो मेरे सारे फूले हैं लगभग 98% गोलगप्पे जो हैं मेरे वो सारे ही फूले हैं। ये आप भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए। आप गैस को तेज़ ही रखें क्योंकि तेज़ में ये जल्दी फूलते हैं, ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरे सारे गोलगप्पे फूले थे और मैंने जो फ्लेम है वो हाई ही रखी थी। और ये गोलगप्पे मेरे अच्छी तरीके से फूल रहे हैं और ये दिखने में भी मुझे मार्केट वाले जो गोलगप्पे होते हैं, ठेले वाले जो गोलगप्पे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है इनको देख देख के। एंड ये मैं आपके सामने ही बेल रही हूँ और आई एम फीलिंग वेरी गुड कि मैंने पहली बार ये गोलगप्पे बनाए हैं और ये सारे ऐसे फूल रहे हैं। अच्छा लगता है ना कुछ मेहनत करो और वो रंग ला जाए, तो मेरे गोलगप्पे में रंग भी आ रहा है और आकार भी आ रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड जब आप बनाएंगे और आपके गोलगप्पे फूलेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिस इज़ माई रियल एक्सपीरियंस, ये मैंने वीडियो बनाई है इसी लिए कि मैं बता सकूँ कि मैंने पहली बार बनाया और पहली बार में भी कोई भी अच्छे गोलगप्पे बना सकता है। एंड ये खाने में भी सही में बहुत अच्छे थे। ये वीडियो मैंने खाने के बाद बनाई है वॉइस ओवर, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस। सो ये जो मेरे गोलगप्पे हैं ये रेडी हो चुके हैं, इसके ये उड़ के पता नहीं कहाँ जाना था इसको, तो ये मेरा गोलगप्पा है, ये खूब मतलब करारा भी था और इसको अगर आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल मार्केट वाली फीलिंग ही आएगी। ये पानी बनाने के लिए मैंने पानी में हरी चटनी ली थी, उसमें मिर्ची डाल दी है, काली मिर्ची डाल दी है, नमक डाल दिया है, सिंपल पानी बनाया है मैंने, और हींग डाल दी थी और गरम मसाला इसके साथ मैंने इसको मिला दिया और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है, पानी का ये रहा। और इसी के साथ मैं आलू भी बना लूँगी। आलू मैंने उबाल लिए थे, उबालने के बाद ये मेरे आलू कहाँ हैं, आलू ये रहे आलू, आलू को मैंने मैश कर लिया। मैश करने के बाद इन आलूओं पे मैंने मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया, माय आलू आर रेडी। एंड ये गोलगप्पे बहुत अच्छे बने थे, आप भी प्लीज़ ट्राई करिए एंड मुझे ज़रूर बताना कि आपके पहले बार बनाए हुए गोलगप्पे कैसे बने हैं। मुझे गोलगप्पे अच्छे लगे थे, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।